आज मेरी छुट्टी है वैसे। तो क्या कर रहा हो? बस क्या करना है, यही करूंगा जो बाकी दिन करना है। सारी बात यहाँ से शुरू हो रही है कि रात को जब राधा ज्योति जा रहे थे, मैंने इनको कहा था भाई जो कुत्ते बंद हैं वो पक्के बंद हैं, और जिन्होंने खुला है उन्होंने खुला है, इन्होंने कहा हाँ। और फिर भी रात को मैं यहीं पे था, अंग्रेज को अंदर कर रहा था। सर वो अचानक से डिस्ट्रक्टिव हो गया, आप जाके देखिए उसने पूरे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ फाड़ दिए। हां मैं देख रहा ना, पर ज्योति है वो एट हार्ट एनिमल रेस्क्यू वाले काम करती है कि भाई जितने एनिमल्स हो सकते हैं ले आओ। मतलब मैं इस भावना को समझता हूँ, पर मैं इस पद्धति से मेथड से अग्री नहीं करता। मुझे था कम करो अच्छा करो। बहुत केसेस में मना करने में थे, बहुत सारे। अंग्रेज को तुम कह रहे हो रिलीज कर देते, मैं कह रहा हूँ अडॉप्टेबल्स में शिफ्ट कर दो, ये इतना नाइस है। ऑलरेडी हमारे पास काफी। कौन कौन है अडॉप्टेबल में? भिंडी हो गई, बारिश, मूली, मसूरी आज के लिए, और राही। ये हमारी लंबी चलेगी डिस्कशन, तो हम आपको सिर्फ इसका जो निष्कर्ष निकलेगा ना वो बता देंगे। पर एक चीज और है, अगर आप हमसे अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास स्पेस ही स्पेस हो जाएगी। साहिल लेके नहीं गया इसको? ये रात को भी करता है अपने दरवाजे को। डॉक्टर को आज हम रिलीज कर देंगे, उसकी स्पेस सर्जरी भी हो गई है, इसका बोन पूरी तरीके से हील्ड है। गर्लफ्रेंड को हम लोग ना हो जब तक सर्जरी, मतलब थर्सडे सर्जरी होती है, तब तक हम कैनल में कर देंगे उसको, इधर से एस कैनल में। ठीक है। मेरी जेन के लिए मैंने साहिल को बोला है कि जो अडॉप्टेबल के कैनल है ना उसमें अगर हम ऊपर कुछ फिक्स कर सकते हैं, ऊपर का जहाँ से वो कूद जाती है, मुर्गा जाली लगा देंगे वो। हाँ, कि आज फिक्स कर लें उसको, फिर जैसे ही मसूरी जाती है मेरी जेन को भी उधर शिफ्ट कर लेंगे। ये सोना है ना, इसका पैर क्रश आया था। हाँ, जो एम्पुटेशन सर्जरी हुई थी ना शुरू से बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसको। अभी हमने फाइनल एक ब्लड टेस्ट लिया है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आराम से रिलीज कर सकते हैं। मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन आती है ब्लड में, तो जो भी एंटीबायोटिक का ओरल मेडिकेशन होगा वो जो वहाँ पे केयरटेकर है हम उसको दे देंगे, है ना। अभी हम कोशिश करते हैं कि अभी हम लाइव करें और इसको अपडेट करें, इसको अडॉप्ट करें। बॉस का ना अभी और भी लोगों के कॉल आ रहे हैं, लेकिन लोग अच्छे से मिल के जा रहे हैं, अच्छा इंट्रोडक्शन हो रहा है। सामने वाला जो अडॉप्ट करने आ रहा है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट सेम इशू घर जाके पता चलता है कि पड़ोसी और घर वाले मना करें क्योंकि डॉग अग्रेसिव है, मतलब ब्रीड ऐसा है। वही दो केस जो अभी और भी उसके बाद भी आए ना, ये तो सब जो गैर जिम्मेदाराना मीडिया वाले हैं उनका किया धरा है कि भाई ये कुत्ता खराब है, बजाय कि जो लोग इनको फाइटिंग के लिए यूज करते हैं। वैसे में तो सर आगे अडॉप्ट करवाने में भी हमको डाउट ही रहेगा कि भाई कब पड़ोसी बोलने लग जाए, कब सामने वाला वापस ला के छोड़ दे। तो हम फैमिली कोई फार्म हाउस टाइप ढूंढो। हाँ, मैं वही बोल रही थी कि हम उसको वैसे ही किसी खुले एरिया में या कोई माफिया बॉस अगर इसको अडॉप्ट कर ले उसको पड़ोसी थोड़ा बोले। टिंडा का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है ना उसके डॉक्टर्स का, बहुत अच्छे से सेटल हो गई है। और वो लोग जैसे बता रहे थे वॉइस नोट में, ऐसे लग रहा था वो किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। इतनी चैटी है ये, इतनी चैटी मुझे पता नहीं था। घर में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई है, इसकी रूटीन बिल्कुल सेट हो चुकी है, टॉयज की, खाना खाने की, खेलने की। इज अ हैप्पी पप। सारा टाइम प्यार प्यार प्यार। काम ना करे पापा, नौकरी छोड़ दो अपनी। में राही के लिए सोच रहे थे क्योंकि ओल्ड एज है बहुत ज़्यादा उसका, तो जो मेन इशू था वीकनेस का वो तो सॉल्व हो चुका है, उसकी ट्रीटमेंट सारी हो गई है, लेकिन जो ट्यूमर है अगर हम उसको अभी ऑपरेट करते हैं तो मे भी वो ट्रॉमा उसका जेल ना पाए। एक ममता जी बाहर है क्या? ट्यूमर का कोई भी इलाज करें हम कीमोथेरेपी मान लेते हैं, तो कीमोथेरेपी भी ओल्ड एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रोमेटिक हो सकता है उसके लिए। और रही बात सर्जरी की, तो सर्जरी तो वो एनेस्थीसिया भी झेल पाएगा कि नहीं, वो एंड ऑफ लाइफ केयर वाला सीन है। हाँ, तो यहाँ रखेंगे तो वहीं रिलीज कर दें। चल पा रहा है हम? हाँ, तो जब वो मिला था वो मैंने भी बोला ना वीकनेस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। फीडर्स है ना, मैकलॉड में एक वो वीगन लड़की है, मैं नाम भूल जाता हूँ उसका, क्रिस्टा है, और एक दो और उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, सोना को भी हम रिलीज कर रहे हैं आज। सोना का सुन के मुझे स्वीटी ध्यान आ जाती है। गुत्ताशी उठ नहीं रही है ना, अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, उठ नहीं रहा है, है ना। और सर बेड सोर हो रहे हैं उसको। ऐसा मुझे नहीं लगता ताशी बचेगा ना शॉर्टकट बचेगा। आई नो कि नहीं मुझे कहना चाहिए पर नहीं लगता, वो ये उसको अल्टो पल्टो और क्या है। मैं बस बता रही हूँ, वो तो हम कर ही रहे हैं ना। ये कोई डॉग होता ना तो हम यूथनाइज कर देते,
मतलब आई नो लोग तो उसमें भी हमें गाली देते पर कम से कम वो गैर कानूनी नहीं है। काओ के केस में तो बहुत सब कुछ पेचीदा हो जाता है, कानून धर्म सब आ जाता है। मैं दिन में कितना भी ध्यान रख लो लेकिन वो रात भर जो बैठा रहता है उसके बाद जो यूरिन की वजह से नमी हो जाती है, जो बेड सोर्स हैं, सब कुछ पेनफुल है बहुत ज़्यादा उसका। फोड़ दिए है। किसने? मुर्गो ने। अमर अकबर। दोस्त नहीं है तीनों? दोस्त तो हैं पर मुर्गी चलेगी है ना यहाँ से, अब तो इसका नंबर लग रहा है बेचारे का। सर क्या दिक्कत हुई है? इन्होंने लड़ाई में उसकी आंख फोड़ दी है ना। ओहो, जिसकी आंख फूटी है उसको यहाँ ले आई है, एक तो उसको ना यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं चूचू के पास। दूसरी आंख देखो, उसकी आंख एक आंख देखो। हाय वो, ये कौन है? है मेरे बचा रहा है। क्रिकेट की अंदाज में जो अंदाज क्रिकेट है ते इसकी शक्ल तो तेरी तरह मिल रही है। ये किटकिट है। क्या क्या है क्या मतलब किटकिट कैसे पता चला? ये बाइट है ना। बड़ा बकवास। नहीं उनका भी साहिब किटकिट है। इसके जा बाइट है। डॉक्टर साहब उनके भी बाइट नहीं थे? हाँ वो ऐसे साहिब इसका ज्यादा है, इसके जाते हैं तो इसका नाम किटकिट है। किटकिट है, किटकैट, किटकिट, किटकैट। आज तो सारा दिन ही शोर मचता रहा है, कुत्तों ने पागल कर दिया। अच्छा सोना नहीं हो रही रिलीज? नहीं सर, उसका थोड़ा दिन अभी सेटअप से हमें कंटिन्यू करनी है तो हम यही रख के करते हैं और अब अडॉप्शन की भी ट्राई करते हैं। काइंड ऑफ गुड न्यूज है। हाँ बैग में छुपी हुई। तो आपके वॉलंटियर आज लंबा काम कर रहे हैं? हाँ उनका मन था और थोड़ा देर आने का तो फिर। नाइस। ओह बाय द वे, हमने अपना डे वॉलंटियरिंग प्रोग्राम ऑफिशियली लाइव कर दिया है वेबसाइट पर, तो भाई जिसने भी आना है अपना रहने खाने का अरेंजमेंट करके, चाहे राधा के यहाँ फार्म से पे, फिर वो आ सकते हैं। वो फॉर्म्स वॉर्म्स का कोई झंझट ही नहीं। ठीक है ओके। मुझे मेन जो उसका मेरे को लगा था कि वो हॉइस्ट पे है हमारा भाई ताशी। हाँ जी किया था हॉइस्ट हमने, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हॉइस्ट पे भी रखना ठीक नहीं है, प्रेशर पड़ने लगता है ना जॉइंट्स पे भी। तो उसको अभी अंदर कर दिया हमने। पराल में लेटा हुआ है या उसको मैट दे रखा हमने? क्या मैट पे पराल है? सर अगर हम लोग कुछ और चीज़ भी करने की सोचेंगे ना तो क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई खिंद वगैरह भी डालनी है ना तो गीली रह जाती है, तो कोई खिंद ही नहीं है ना। वो होती है यहाँ पे, अब रजाई और मैट टाइप लगा लो मोटा सा, तो वो सब का भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा उसको सेंचुरी भी मूव नहीं कर सकते वहाँ, इतनी ठंड है हमारे भाई। ओए बड़ी 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 बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना। क्या पसंद है बॉस तेरे को? फर कम है ना, वो शॉर्ट कोट है ना इसका एकदम। सॉरी बड़ी। और हमारा जो रात को भौंकता है मैं उसका फिर नाम बोल रहा हूँ, जिद्दी। उसका वो तो बंद कर रखा है उसको, इसका नाम वो तो हम लोगों को भी सर्दर दे रहा है। आज तो बहुत शोर मचा है तो आज ठंड भी ज़्यादा है ना, धूप नहीं निकली। मोस्टली डॉग्स क्या धूप में आराम से बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर। आज थोड़ा सा इसलिए भी ये लोग इरिटेटेड है। राजा यार अडॉप्शन फोन संडे को ऑन रहता है? सर नहीं ऑन तो नहीं रहता, लेकिन आज जो कॉल बैक्स करने थे मैंने सुबह ऑन किया था, अभी कोई भी पॉजिटिव कॉल नहीं है। कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं पर मटेरियलाइज नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा ठीक है, आई थिंक आप लोगों को हमारी हेल्प करनी पड़ेगी रीच बढ़ाने में, क्योंकि हम जैसे जो भी अपना कंटेंट बनाते हैं वो डोनेशन के लिए नहीं बनाते, हम अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। और दूसरा ये कि ये जो लोग यहाँ पे परमानेंट मेहमान की तरह टिक गए, बॉस की बात कर रहा हूँ, राधा की नहीं, राजा की बात है। राजा को नहीं करा रहे हम अडॉप्ट। सही रहा आपका फर्स्ट डे? मजा है। ये मास्क क्योंकि ज्यादा नहीं। अच्छा। वो ज्यादा वो डस्ट उड़ता है ना। ओके अभी तो कोविड की दोबारा खबर आ रही है। तो सर क्रिसमस कैसा रहा आपका? रहेगा क्रिसमस बेबी, दिवाली और नॉर्मल डे बराबर होता है तो क्रिसमस को मौसम ठीक हो जाए बस, ऐसे मौसम में तो ऑलरेडी मुश्किल का बहुत मुश्किल हो जाता है। मॉर्निंग सर। नॉट गुड वेदर फॉर ताशी। हाँ इसलिए बाहर नहीं निकाला उसको। उसके बाद कोई रेडिएटर या कुछ रख दें तो लेके प्रॉब्लम रात भर भौंका। हाँ, चलते तो बात भी नहीं करने देगा।
डॉक्टर ने रिलीज नहीं होना था? हाँ, उसने जाना है सर, कल हम ट्रीटन स्ट्रीट के लिए चले गए थे और आज वो उसको लेने आ रहे हैं केयरटेकर ना उसके। ठीक है, अगर कोई लेने आ रहा है तो अलग बात है, मतलब वो उसके साथ है तो अलग बात है, पर किसी को अकेला छोड़ना है तो ऐसे वेदर में तो मत छोड़ो। जिद्दी अब वो शांत हो गए, हम बाहर आए तो इसको अगर हम यहाँ पे खुला रखें तो रात को। कल ट्राई किया ना वो यहाँ से नीचे से जो फेंस है, लंच में ही हमने पहले ही सबसे ओपन किया कि रात में तंग करेगा तो एटलीस्ट पता चल जाए कहाँ से आ रहा है ये फेंस है। हाँ, इसने हटाया है सभी ये चीजें, कहाँ से निकले बताओ, खुद दिखाओ, नीचे देखो फेंस कहाँ पे रखे तुमको। मैं इसको शिफ्ट कराती हूँ इस चैनल में, वापस नहीं मिलेगी बेडिंग, नहीं मिलेगा कुछ भी। ये कौन है? जिद्दी। मैं नीचे से आया जबकि ये डैमेज ही नहीं। इसको तो अगर इसको सॉर्ट करा दें तो सर वो कल कुछ, कुछ और कहीं और खुल देगा, मतलब उसको जाना है। ठीक है, ये इतने स्ट्रेस में ठीक भी नहीं होगा, तो ऑर्डर में रिलीज करेंगे तो वहाँ पे कोई केयर टेकर भी नहीं है ना इसका। मेरे को लगता है कि है वहाँ पे, क्योंकि आंटी कालू कालू करके इसको आवाज दे रही थी, ढूंढ रही थी। और बस यही था। हाँ, ताशी बस थोड़ी सी और डल लग रही है, लग रहा है, रहा है अभी, क्योंकि ठंड और ज्यादा बढ़ रही है तो हम लोग जो पराल की बेडिंग है वो करवा देते हैं सबको, डॉग्स को सारे। क्या है, क्या है, क्या है, मैं रोटी दिख रही है देखो मेरे हाथ में। हाँ वही है, देख क्या कोई वॉलंटियर है जो रोटी दे देगा, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम ही उनको रोटियाँ दे देना, उनको कहना कि सबको खिला दे, उनके इंट्रोडक्शन भी हो जाएगी ना। ठीक है, आप कहाँ से आए? दिल्ली में मैं हूँ, उत्तम नगर साइड, वेस्ट दिल्ली। हम केरला से हैं, केरला वाले तो वहाँ पे बीफ भी अच्छा खासा बिकता है, सब कुछ बीफ नॉनवेज सब कुछ बिकता है, बीफ भैंस का गाय का दोनों का वहाँ पे सब चलता है। इसकी वजह से पता चला मुझे, इसके भाई की वजह से इसको पता चला पहले, और फिर उसके बाद मेरा भाई भी बहुत खराब है। आप वो जो थैंक्स रिप्लाई देते हो वो भी स्क्रीन पर लेके व्हाट्सएप पे लगाते हैं। अरे यार, गुड गुड टू नो, मेहनत सफल हो जाती है जब हमें लगता है कि यार कोई किसी ने अपने लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाया। फिर भी फाइनली डील कम थ्रू। ये तो मिलने आई थी आपसे, मतलब ये सोच रही थी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे आप। सो मच, आपसे मिलने का सच में बहुत हम फोटो ले रहे हैं, आप फोटो ले लो, फोटो हां मुझे चाहिए, मैं भी ले लेता फोटो यार। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ना सिर्फ ध्यान से सुना, आपने आगे किसी को बताया, तो ही तो मैं तो सबको बताता, सबको सबको। अरे खतरनाक यार, बस स्पॉट। अब भागा कौन, राजा? इसको लेके जाना पड़ेगा। किसको? इसको उधर करेंगे तो बुलाएंगे, वेट करो। चलो ओके, इसको ऑफिस में ले जाते हैं। राजा कहाँ है? राजा जो तुम मुझे चढ़ता रहता ना मेरे पास सारा काम बराबर हो जाता, इसीलिए यार मैं गेटों के पीछे पड़ रहता हूँ कि गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। और वो उसके पीछे और वो आगे भाग रहा और ज्यादा, और चटोरी फिर लेगी। चटोरी ले का गई, ले गई का क्या मतलब है? अरे चटोरी के पीछे, ओमाए वा मू सिंदेइरु नानी। ये देखो बचा के लाए, तू मार रहा है डफर। कुछ मार के बड़ा स्पॉट, एटीट्यूड कौन सा इसका ठीक हुआ है? ज्योति ने मुझे मैसेज भेजा हुआ था कि वो दानू को कौन सा डिजीज है, जेडी 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 लाइक सिम्टम्स उसे लग रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए उसका सैंपल लेके हमें भेजना होगा। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो ये डायरिया रिलेटेड इश्यूज जो है इसका ये लाइफ टाइम रहेगा, तो ये ह्यूमंस में भी ट्रांसफर हो सकता है, ह्यूमंस में भी जेडी होती है। बोवाइन जेडी ह्यूमंस में जंप करती है? हाँ, मतलब ये जूनोटिक है, जूनोटिक है, जूनोटिक होता है, मतलब वो डिजीज जो एक स्पीसीज से दूसरी हो सकती है, जैसे रेबीज, रेबीज जूनोटिक।
जो यूरिनेट करने में उसको दिक्कत आ रही थी, आज सुबह जब चेक किया तो जहाँ पे उसको बांधा हुआ था तो वहाँ पे तो यूरिन किया हुआ था। तो वो जेडी से संबंधित नहीं है, यूरिनेशन में तो नहीं है। मतलब कि एक बैल को 3600 बीमारियाँ हैं, इसको सबसे बड़ी बीमारी जो है ना बैलों की वो इंसान है। स्पॉट और चटोरी इसके पीछे भागे और कोई इंजरी तो नहीं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक टेबल धराशायी हुआ है छोटा सा। तुमने तो नहीं कह रखा इनको कि रोज एक जानवर भगा दिया करो, मुझे फुटेज मिल जाएगी। पहले वो भाग गई थी मैरी जेन, अब राजा भागा है। फायदा ना फिर तुम्हारा ही है। अच्छा, यही तो ब्लॉग से व्यूज आते आएंगे। हाँ जरूर, व्यूज का मुद्दा है जानवरों की हेल्प करना। वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैंने दिन शुरू करना था कह के कि आप तो यार बड़ी अच्छी न्यूज़ से दिन शुरू हुआ है, वो हमने एक रिफॉरेस्टेशन ड्राइव करनी है, तो उसके लिए हमने SDM साहब को परमिशन वो दी थी एप्लीकेशन, जिसमें हमें परमिशन मिल गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार वाले हम कागज़ जो है निकलवा सकते हैं ज़मीन के, फिर वहाँ पे हमें DC साहब से सपोर्ट मिलेगी और हम ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, गार्ड वो हमें प्रोवाइड करा देंगे। पर ये तो दिन अलग ही शुरू हुआ है। ताशी का तो एक्सपेक्टेड ही था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। हमने ट्राई भी किया, कल भी हमने हॉइस्ट किया था, तो वजन ले नहीं रहा था उसे, खुद से नहीं जैसे पहले था वैसे तो बिल्कुल भी नहीं था। भाई ये बैड कॉम्बिनेशन है, आप वैसे ही कमज़ोर हो, आपकी एक टांग नहीं है, फिर आप अस्पताल में आके रह रहे हो जहाँ पे इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन है, और जो मौसम इतना ठंडा, और दो दिन बाद आज धूप निकली है, आज तो सारे अपने कुत्तों को धूप लगाओ अच्छे से। ये हमारा वो फ्रिज है, कवर। अच्छा, इसको रिपेयर कराना है, जैसे नीचे से छोटे एक्स्ट्रा कपड़े लगवाने। घूंघट फ्रिज पे ठीक है, घूंघट सिर्फ इसको बैठ दिया है ना, वो रखो एक का निकाल के। मैं अभी रोटी नहीं लाया ब्रदर, कल आपने दी थी रोटी ना, आप अभी ले लोगे और सबको दे दोगे? ठीक है, आधी आधी कर लेना। भाई क्यों इतना ड्रामा? जैसे वो है नहीं इंग्लिश में कहते हैं मेक हे वाइल्ड द सन शाइन, तो हमारा ये भाई वाइल्ड सन हो रहा है शाइन, हम क्लीनिंग कर लें, हमारी सब सूख साख जाएगा। ये भी इसको लग रहा होगा आप मीट खाते हो, इस चक्कर में मार रहा है। रॉन्ग नंबर डायल कर रहा है भाई तू। इसको मार। आजा की भी देख रहा था कि गाय उनको मार रही है। दानू तो नहीं मार, बहुत मार रही है, अभी पीछे पड़ी। बहुत बुरी तरीके से मारता भी है। नहीं हाँ, फोटेज आई है। नहीं मारता तो नहीं है बेचारा, मारने वाला था सर। नहीं यार, वो पूरे सींग तो कर लिए थे उसने आगे। अभी खाना है। अब तुम जैसे विशाल व्यक्ति मेरे पीछे भाग रहा हो, मुझे लगेगा मारने के लिए भाग रहा हो सकता है, तुम मेरे पीछे भाग रहे हो कि आपका वॉलेट गिर गया था। एक जना खाओ एक जना, ठीक है। मैं तो बोरिंग काम कर रहा हूँ ऑफिस बैठ के। आज फाइट है, आज एटलीस्ट मौसम अच्छा है तो थोड़ा मैं चार्ज रहूँ। ओए ये कह रहे कि कोई आके गंदी तरह बात कर रहा तुमसे? गंदी तरीके से नहीं बात कर रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन वो हो जाता है ना, लोगों को मना कर दिया तो। रैशेज थे, इसकी बॉडी इन्फेक्शन था, इसको ठीक करवाया। अब दिक्कत ये है कि अभी ठीक हो चुका है, बट अब हमें घर पे रखने की उसको दिक्कत हो रही है। और ये जगह है इंजर्ड एनिमल्स के लिए, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके रख लो इसको। सिर्फ एक क्लिनिक है। और अंग्रेज रिलीज हो गया? अंग्रेज को हाँ, साहिल लेकर गए हैं, वो अपने पास रख रहे हैं। उसके जगह में एक डॉग था जिसको काफ़ी टाइम पहले हमें भी बताया गया था, पैर में ट्यूमर था, वो इतना बड़ा था उस वक्त में, अभी इतना बड़ा हो गया। उसने कल पकड़ा जाके डॉग तो एक्सचेंज कर लिया उसने। हाँ। जब मेरे को दिखा था तब इतना था, तब 8-7 महीने पहले, तो हम तो इसको रोज पकड़ने जाते थे, लेकिन ये इस पे शायद पहले ट्राई किया है बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये पकड़ देख के भाग जाती थी नेट देखती।
तो कल तो रात के टाइम बहुत मुश्किल से हमने पीछे से कोई फीड कर रहा था, तो तब जाके इसको पकड़ा। इसका कोई दिक्कत आएगा तो तुम बता देना, आरवीएफ का शॉट हमने तुमको दे दिया है, और इसको ना थोड़ा सा स्किन का ये दिखाना, तो उसमें तो नारियल तेल है ना, ठीक रहेगा। बहुत प्यार से इसने ट्रीटमेंट कराया। इसको दर्द हो रहा होता था ना, ये हाथ पकड़ लेता था। अच्छा। अपना पंजा हाथ पे रख देता, कह रहा भैया बस थोड़ी देर रुक जा, थोड़ा सा आगे हो जाओ। ना एथलीट रिलीज होने वाला है। एथलीट आज जा रहा है? हाँ आज ही जा रहा है। फिर इसके सर पे रिबन सा क्या? अरे लगवा ले, सुन 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 क्या कर रहा है? ही लेट पीपल फ्रॉम रिफ्लेक्टिव टेप के कॉलर से ही बात बन जाएगी। हमने इसका वीडियो बनाना था कि इसका उपचार कैसा रहा, खतरनाक रहा, पर पहले एक दो दिन इसने बस परेशान किया, फिर इसने फिर ठीक हो गया। उसको पता लग गया कि ये लोग ठीक हैं। एक चीज पूछनी थी। हाँ। अपना वो जो है दानू। हाँ हाँ। उसकी पूप लूज मोशन तो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। नहीं, तो उसकी पूप सॉलिड हो रही है? सॉलिड भी नहीं दिखी मुझे, पूप भी नहीं कर रहा आज। फिर उसका सैंपल का तो सर को अभी भी बोला है ना, सेकंड हाफ में ही जाएगा। नहीं, सैंपल तो जाएगा ठीक है, पर अगर वो पूप नहीं कर रहा तो उसको पैरा टैबलेट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं सर, मतलब उसका ट्रीटमेंट तो वैसे ही चल रहा है ना। जस्ट मैंने रखा है क्योंकि बहुत डायरेक्टली धूप काफी देर से हो रही थी ना। ये क्या है? पोटी पोटी। ये है ना? ये पूप ही है? हाँ सर, पूप ही है। ऐसा होता है तो ब्लैक तो बच्चे बच्चे सुबह से जाती हूँ मैं दिखाती हूँ। अब दो की सुबह डेथ हुई? नहीं एक की। हाँ एक नहीं, सुबह दो की डेथ हुई थी। दो की डेथ हुई थी तो ये तो पांच है ना, दो की डेथ हुई, सात थे, दो की डेथ हुई और एक ये बीमार। नहीं सर, फिर तो आठ हो गए ना, अभी चार हैं, दो को वो लेके गए हैं, एक को साफ करने, एक को डॉक्टर के पास दिखाने, छह, एक की डेथ होगी साथ। सॉरी। हाँ और शायद ये जिसको ज्योति ले गई ये भी शायद नहीं बचा ना। नहीं अभी तो है ना, ये है ना अभी। हाँ ये तो अलाइव है अभी। सुबह एक की डेथ हुई थी ज्योति ना? हाँ सर एक की हुई थी, उस टाइम पे मुझे दो बताया गया था, लेकिन जब सर चेक कर रहे थे ना उन्होंने बोला एक की हुई है। समराइज कर देता हूँ, सुबह हमें लगा था कि दो की डेथ है और एक बीमार है, एक की डेथ हुई थी और दो बीमार है। आप सर इसको दिल्ली से ले गए थे चटोरी को? नहीं नहीं, यही धड़म में मिली थी हमें, मेरे को मिली थी, फिर उसको मैं ले आया यहाँ पे, तो ज्योति ने पहचान लिया इसको कि हमारे यहाँ से ही ठीक होकर रिलीज हुई थी, फिर ये तब से यहीं गई नहीं, चिपक ही गई हमारे साथ ही। हमारा बच्चा चटोरा। सर क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था एक तो तुम तब थे नहीं यहाँ पे जब अर्थिंग वाला काम हो रहा था, तुम हर चीज़ एक तो डिले करते हो कि जब मैं हूँ तब शूट, जब मैं शूट कर सकता हूँ तभी करो। सुबह से दौलत राम रुका हुआ है मशरूम के बैग नीचे, मेरी बेसमेंट में जाने हैं तो चलो। अनिरुद्ध जी आपने चेक कराई थी ना अर्थिंग? हाँ। और आपने कहा था ओके। नहीं जो सेकंड को कह रहा है कि गलती से हो सकता कि मैं स्मार्टिंग ना करूं। मैं कह रहा हूँ कि देखो मैं इसलिए कहता हूँ, मैं इलॉन मस्क इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि हर एक चीज जो है आखिरी में ये मुझे कहेंगे कि आप चेक करो। तो सोचो वो जा रही हो स्पेस एक्स की शटल और उसकी हर एक जो कनेक्शन है उसको चेक करने का। ये वो है हमारे मशरूम के बैग, तो हमारा हर साल का ट्रेडिशन है, हम ये पालमपुर यूनिवर्सिटी से मंगाते हैं और फिर इनको नीचे रखते हैं, इसमें मशरूम उगाते हैं। अब की बार तो हम दो महीने लेट हैं क्योंकि अब उनका जो प्रोसेस है सारा ऑनलाइन हो गया। ये मेरा रूम है, यहाँ पे बेसमेंट है, इस समय हो रखा है काफ़ी मैसी, चाहता तो नहीं था मैं शूट हो पर विक्की इंसिस्ट कर रहा था, और इसका एंगल वेंगल ऐसा रखना है थोड़ा जो गंद होंगे वो कट जाए। तो सर मशरूम की खेती अंडरग्राउंड क्यों करते हैं? बेसमेंट्स का जो टेम्परेचर है ना वो कॉन्स्टेंट रहता है और मशरूम को चाहिए हर समय गर्मी और अंधेरा। तो ये बैग्स ले आओ दौलत राम जी। अब तो वो वेंसडे है, ज्योति की छुट्टी होगी तो पूरा का पूरा अच्छा निचोड़ के ना हाउस साफ करना है। आप लोग सारे वॉलंटियर आज हमारी इसमें हेल्प करोगे? बस राजा और बेटी जी को बांध देना। आप लोग उस साइड चले जाओगे ना तो राजा और बेटी जी तो वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है वो क्लिनिक बताना था मैंने। वो कांप रहा था क्या बॉस आज भी सुबह? बेचारा वो बैठा हुआ, देखना उसकी शक्ल देखो कैसे बना रखी है। वो घूम के आया है। ओहो ओहो ये ओ बाबा ये
बिहाइंड द सीन भी कुछ हो रहा था। ओए यार। गुड गर्ल। चले अंदर। यस सर। उसकी सर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है बड़ी की? जो थर्ड लीड है वो फंक्शन तो नहीं कर रही है, आंखों पर कवर किया हुआ है। मतलब उसका विजन नहीं है ना साय में, तो फिर अब आई रिमूविंग और फ्यूचर हो जाएगा? नहीं, वही फ्यूचर का वही है कि टिश्यू हार्ट है। कुछ ऐसा है वो ना जो मुझे पता होना चाहिए। वो आया था मंदीप की, वो जिस गाय के लिए हम लोग ओटा में गए थे वो मिल गई है ना, जिसकी जगह तुम दूसरा एक ले आए। तो वो मैंने कल शाम को मिली थी, तो आज हम फिर फोन करके पूछेंगे। ठीक है, रिमाइंड जी मुझे गाड़ी का स्टेटस देना भैया, चंडीगढ़ में हमारी गाड़ी का क्या हुआ, भूल गए क्या वो? hey, कल तुम उसके रिलीज पे गए थे ना? यस सर। एथलीट का। एथलीट के भी। कैसा रहा? मैं मायके चली जाऊं। अब चुप रहना, बोलो। तो इसका इलाज करते टाइम आप घबरा रहे थे या फ्रेंडली होके आपने इलाज करा? मतलब पहले दिन तो घबराए थे सारे, यहाँ पे आके थोड़ा सा बिहेवियर चेंज का आया है, ये थोड़ा सा फ्रेंडली तो हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर हुआ है। इसका बाहर मन लग जाएगा बाहरी दुनिया में, अब ये देखते हैं। चलो तो जाते ही उसने सर फिर धरती में सींग वगैरह मारने स्टार्ट करे, जमीन से लड़ने लग गया, मिट्टी उड़ाने लगा, मतलब वो जाके अपना एग्रेशन निकल दिखा रहा था। अब ऐसे मेरे लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, आपने ये छोड़ा भाई, हमने तो ठीक करके छोड़ा, ओरिजिनल सिन तो किसी और का था। बांध रहे हो तुम इसको? क्या बांध दिया बेटी जी, कुछ कहती है? मारती है सर। कल एक वो आए हुए थे दिल्ली से, थे शायद विजिटर थे, उनके ऊपर यहाँ चढ़ा और पंजा यहाँ मारा उसने। यहाँ से यहाँ पे टोपू भी थी, तो बेटी जी और टोपू बेसिकली किसी और को नहीं खाने देते। बस बाबा है और है, चटोरी एटलीस्ट छील के खाती है। अगस्त में आया था जी, 15 अगस्त के आसपास। आपको तो जरा सा ये कह दो ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, तो आप नाराज हो जाते हो भी। आपसे नाराज होकर कहाँ जाना है बताओ ना, नाराज होकर जाएगा। झूठ मत बोलो आप। चटोरी खा के दिखा, मूँगफली कैसे खाते हैं ठीक से, बेटी जी को तो आती नहीं खानी। अरे छिलका आएगा बाहर मूँगफली अंदर, तो ये बेटी जी को दिखाएगा वीडियो कि ऐसे मूँगफली खाते हैं, देखा? स्मार्ट बच्चा मेरा, गुड गर्ल चटोरा, हमारा पोचड़ा। मैं तेरे सुबह पूछ रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे पता होना चाहिए, तूने बताया ना? दो पपीज और पपी डेथ हो गए कल एक की हुई थी ना, दो की हुई थी सुबह, एक की हुई थी सर, शाम को फिर देखती हूँ 3-4 बजे और आज सुबह एक और की हो गई, तब 3 की होगी टोटल, 4 होते हैं हमारे पास। एक दो तो जो होते हैं ना रंट, जिन्हें नहीं कहते, जो सबसे कमजोर निकलते हैं, जैसे ये भी है। उसको एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं ना? हाँ, एंटीबायोटिक दिया था, पर दूध तो है उसमें, अभी खत्म हो चुका है एंटीबायोटिक ना उसके, 5 दिन दिया था हमने एंटीबायोटिक भी, वो सेफ वाला दिया था ना, कोई डॉक्टर मानशु ने कहा था कि क्या मुझे नाम बता देना, अमोक्सी सेफ है। हाँ जी, प्रेगनेंसी में ना। क्या है? हम ऐसा कर सकते हैं पता है, बॉस की अडॉप्शन के लिए, कि मैं एक रात ना केनल में सोऊं बॉस के साथ, टू प्रूव कि कितना ये सेफ है। पर मेरे साथ तो 2 महीने सोया है एकदम बेड के पास। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तुम फिल्म में करो। मैं झूठ बोल सकता हूँ। सैड हो गया यार ये। हाँ सर, बहुत ज़्यादा सैड हो गया है ना, मतलब उसके फेस से दिखता है कि वो सैड हो गया। हम पे से भरोसा उठ गया इसका कि खेलते हैं, घुमाते हैं, रोकते हैं हमें अपने साथ, बट लेके कोई नहीं जाना वापस केज। उसको अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम सब अंततः अकेले हैं। चलो गीता से पढ़ के चीज़ें सीखता हूँ, ये फिर रोज़ उनको वो करता है, ये वो है स्केप्टिक। स्केप्टिक स्केप्टिक क्या होता है सर? नास्तिक को बोल सकते हैं। नास्तिक तो अलग ही हो गया, नास्तिक तो एथीस्ट हो गया। स्केप्टिक वो होता है जो हर चीज़ को ना थोड़ा शक की निगाहों से देखता है, और लेकिन भगवान की कई बातों में आपको आस्था की आवश्यकता होती है, और कई लोग आस्था और अंधविश्वास में ना वो नहीं कर पाते डिफरेंशिएट। मतलब कई लोग नहीं कर पाते। हाँ थर्टी थर्टी ठीक है। मैं आपको एक काफ़ी स्पेशल गेस्ट से मिलवाता हूँ, शिवानी की मॉम। फार्म पे जो आज सारा खाना बनता है ना, आंटी की रेसिपीज है, इनफैक्ट हमारे प्रोडक्ट्स के भी। अरे कैमरा उनकी तरफ करो, ये तो मैं तो बोलता ही रहता हूँ। आंटी आप आज अचार भी बना रहे हो ना? हाँ जी, कहा इधर गोभी शलगम का अचार बन रहा है, मीठा खट्टा मीठा। गोभी गाजर सूखने डाले हैं धूप में,
और ये मसाला तैयार हो रहा है इसका। मैं तो आंटी को कहा कि यहाँ पे रुक जाए, हमारा फार्म किचन मैनेजर बन जाए। क्यों आप हमारे को ज्वाइन नहीं करते पीपल फार्म? मैं ज्वाइन कर लिया बस। कितने दिन के लिए? तो आपने 3-4 दिन के लिए किया। हाँ, 3-4 दिन के लिए किया। कोई नहीं, फिर आ जाएंगे मार्ग में, सर्दी बहुत है यहाँ पे हमारे। तो आपने घर बार बना रखा है? आ जाएंगे हम, आ जाएंगे। अगर आप हो और मतलब शिवानी की मम्मी के ट्विन कहीं पे और आप हमारी हेल्प कर सकते हो, हमें किचन और फार्म किचन मैनेजर तो चाहिए ही चाहिए। सर्दियों में जो हमारा खाना बनाने वाला काम है ना, ये हर कोई करना चाहता है। राधा भी खाना बनाते हुए प्राप्त हो गई है। कुत्तों का खाना अच्छे से बनता है सर्दियों में, कि भैया आग भी सेकने को मिलती है साथ में। राधा है ऐसा नहीं है? राधा दीदी क्या ये सच है? कैमरे में ग्लिच आ गया आपकी शक्ल जैसी। कैमरे ग्लिच आ गए? ये वो सब्जियां हैं जो खेत में सूख रही हैं, मतलब आगे पीछे चीज़ें उग भी रही हैं। वहाँ लहसुन उग रहा है, वहाँ और गाजर मटर आलू ये सब चीज़ें उग रही हैं, पर यहाँ पे फिलहाल अचार के लिए सूख रही हैं। अरे ये हमारी रुई भी लगी है, इतनी नहीं है कि इससे हम टी शर्ट वीशर्ट बना सकते हैं, पर वो जो सुच्ची जोत चाहिए होती है दियों के लिए, हम गोबर के दिए बना के बेचते हैं दिवाली के आसपास, उसके लिए काम आती है। मुझे लगता है जो लोग फ्लैटों पर पैसा खर्च करते हैं ना, फ्लैट खरीदने के बजाय ज़मीन खरीदनी चाहिए। कम से कम बंदा अपना थोड़ा बहुत खाना उगा लेता है।